सुशील कुमार मोदी जी के बारे में सबको पता है, उनका नाम अफवाह मियां भी, उनका नाम अफवाह मियां भी। मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था जनवरी में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कौन सा जनवरी कब, ये तो महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और पूरी कार्यक्रमों का नेतृत्व वही कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने पूरा तरह से सरकार को सहयोगी नहीं कर रहे हैं बल्कि कार्यक्रमों को अमलीजामा पर आकर करके जमीन पर उतार रहे हैं, तो अपने अपने दायित्वों का हिस्सा का निर्वहन हो रहा है। लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हर विषयों पर जहां आती है खुल कर करके, तो हमारे नेता उसका पूरे तौर पर जवाब देते हैं, आप जानते ही हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जब आएंगे तो भरा खेला होने वाला है, डील के मुताबिक काम नहीं हुआ तो। सुशील कुमार मोदी जी के बारे में सबको पता है, उनका नाम अफवाह मियां भी है क्योंकि खुद अभी हाशिए पे है। किसी तरह से सत्ता से जब बेदखल हुई भारतीय जनता पार्टी तो हल्का ऑक्सीजन उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि वही सुशील कुमार मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि बिहार में मोदी है इसलिए गुजरात वाले मोदी को बिहार में क्या जरूरत है, उन्होंने ही कहा था, पता कर लीजिए, उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। तो सत्ता के लिए सुशील मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, और एक बात पूरी कंक्रीट बात जान लीजिए, भाजपा आकलन कर चुकी है कि 24 में बिहार में वो मिट्टिया मीट हो जाएगी, जमीन दोज हो जाएगी, 15 की बात तो छोड़ दीजिए, वहां तो सपना भी नहीं। तो सबको आकलन, नेताओं को है, ये प्रयास चल रहा है और उसके बाद हम देखे नहीं क्या कुछ हुआ। लगा लीजिएगा तब फिर पूछेंगे। लगाई कुशवाहा जी जो नाराज चल रहे हैं, बीजेपी काफी उत्साहित है उनके इस नाराजगी को लेकर, लगता है कि बीजेपी खेल कर रही है क्या? महागठबंधन की एकता और कार्यक्रमों के प्रभाव जो गांव और कस्बों तक पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर आकलन कर चुकी है कि भाजपा आने वाले 24 और 25 में दिखाई नहीं पड़ेगी। तो स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक्सरसाइज करती है, अलग अलग देखती है। जनता दल युग के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, याद रखिए आप लोग, और उनको नीतीश कुमार जी ने सम्मान के साथ रखा, विधान परिषद बनाया, राज्यसभा ही भेजे, लीडर ऑफ पोजिशन ही बनाए, वो तो जदयू में है। भाजपा क्यों व्याकुल होकर के कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा संपर्क में है, मैं तो इस बात को तत्काल प्रभाव से मैं नहीं मानता। आने वाले राजनीति में एक अलग विषय है कि निर्णय क्या लोग लेंगे, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि जदयू का आंतरिक मामला है और जदयू इन चीजों को गंभीरता से देख भी रही है। और मेरा मत साफ है कि वोट महागठबंधन के नेताओं के पास है। शक्ति यादव के चल जाने मात्र से महागठबंधन अगर कमजोर हो जाता है तो यह पूरी कल्पना हो सकती है, या भाजपा की एक अपनी दीवा स्वप्न देख सकता है दिन में। वोट तो तेजस्वी जी के पास है, लालू जी के पास है, नीतीश जी के पास है, महागठबंधन के नेताओं के पास है, और सब कुछ सबको पता है किन किन के साथ लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कल्पना करना क्यों जा रहे हैं बीजेपी में, ये जल्दबाजी आप लोग कहीं ना कहीं से भाजपा प्रयास कर रही है। वो तो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कारकिशोर प्रसाद डील को लेकर कर रहे हैं कि डील क्या? राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी अपने अधिकार नेताओं के माध्यम से, या माननीय तेजस्वी जी ने, या आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, या हमारे किसी प्रवक्ता ने कभी नहीं कहा कि कोई डील हुआ। पता नहीं ये बातें किस डील के हिसाब से वो कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि मेरा डीएनए और नीतीश जी का डीएनए एक ही है, इसलिए हम तो उन पर शंका नहीं करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन अलग विषय है, लेकिन हम तो शंका नहीं करते। लेकिन दिसंबर में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था जनवरी में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कौन सा जनवरी कब, ये तो महागठबंधन के नेता